एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका हमारा लास्ट पार्ट है। इफ जेड इक्वल 2 प्लस 3 योटा एंड डब्ल्यू इक्वल 5 माइनस 4 योटा देन शो डैट, हमने ये साबित करना है जेड अपॉन डब्ल्यू कॉन्जुगेट इक्वल जेड अपॉन जेड कॉन्जुगेट अपॉन डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एल एल एच एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल जेड ओवर डब्ल्यू कॉन्जुगेट, तो 2 प्लस 3 ओटा 5 माइनस ये जेड की वैल्यू एंड डब्ल्यू की वैल्यू। अब क्या करना है, इसका हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल फॉर्म में लेके आना है। ये माइनस है इसका यहां प्लस ले लिया, ये माइनस है इसका यहां प्लस ले लिया। अब क्या किया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे के साथ। इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 3 योटा को दोनों से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 प्लस 4 योटा प्लस 3 योटा 5 प्लस 4 योटा। अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों सेम है, हमने ले लिया नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाले का 5 का स्क्वायर माइनस 4 योटा का स्क्वायर। अब क्या करना है, 5 टू जार 10, 4 टू जार 8 योटा, 3 5 जार 15 योटा, 3 4 जार 12 योटा स्क्वायर। नीचे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और योटा स्क्वायर आ गया। तो अब क्या ये 10 है, 8 योटा, 8 योटा प्लस 15 योटा और ये 12 है, 12 साइड पे आ गया, योटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये 10 प्लस 12 माइनस 1 8 प्लस 15 23 योटा ओवर 25 माइनस 16 माइनस 1 योटा स्क्वायर, यहां भी माइनस 1 हो गया। 10 माइनस 12 23 योटा, नीचे क्या है 25 माइनस माइनस प्लस 16, तो 25 प्लस 16 41 हमारे पास इसका आंसर हो गया। 12 में से 10 निकाल दिए माइनस 2 23 योटा ओवर 41। अब हमने क्या करना है, ये चीज का सॉल्व लेना, हल करना है, z अपॉन w कॉन्जुगेट इक्वल 1 ओवर 41 साइड पे ले लिया क्योंकि ये हमारे पास नंबर ही है, और माइनस 2 प्लस 3 योटा इसका लिया कॉन्जुगेट, माइनस 2 वैसे योटा तो इसका लिया कॉन्जुगेट माइनस 23 योटा आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड है z वैल्यू ये है, उसका लिया कॉन्जुगेट, जू 2 प्लस 3 योटा इक्वल टू माइनस 3 योटा, डब्ल्यू इक्वल 5 माइनस 4 योटा, तो डब्ल्यू कॉन्जुगेट इक्वल 5 माइनस 4 योटा, तो 5 प्लस 4 योटा हो गया, माइनस था। अब क्या करना है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी इसकी वैल्यू पुट करनी है, जेड कॉन्जुगेट अपॉन डब्ल्यू कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस 3 योटा 5 प्लस 4 योटा मल्टीप्लाई, ये पॉजिटिव है, इसका हमने नेगेटिव लेना है जब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को दोनों से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 माइनस 4 योटा माइनस 3 योटा 5 माइनस 4 योटा, 2 5 नीचे क्या है प्लस क्या है माइनस क्या है, हमने माइनस वाले का दोनों का स्क्वायर लेना है, 5 स्क्वायर माइनस 4 योटा स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16 और योटा का स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है, 2 5 जार 10, 4 2 जार माइनस 8 माइनस 15, 5 3 जार एंड माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 योटा स्क्वायर, 10 ये आ गया वैसे आ जाएगा, 12 योटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 8 माइनस 15 23 योटा हो गया, 10 माइनस 12 माइनस 23 योटा। अब 10 माइनस 12 है, 12 माइनस प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 निकाल दिया माइनस 2 हो गया, 23 माइनस योटा हो गया, नीचे क्या बन गया 41। अब 141 बाहर निकाल लिया, 1 ओवर 41 माइनस 2 माइनस 23 योटा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमारे पास प्रूव होंगे।